ये देखिए आज मैं बनाई है ब्रेकफास्ट रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बना है और इसे बनाना भी बहुत ही इजी है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएं और इसे बनाने में किन किन चीजों की जरूरत है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमने लिया है आलू, जिसे हमने छिलकर वॉश कर लिया है और इसे इस तरह से पतले पतला काट लिया है। अगर आपके पास ग्रेटर है तो आप ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं मोटे वाले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ती और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, जिसे हमने बारीक काट लिया है। हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून बेसन और हमने लिए हैं कुछ सूखे मसाले, जिसमें है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गोलकी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। अब हम उसे भी इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा। अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। आपका जिस हिसाब से आलू रहेगा, अगर आलू ने पानी छोड़ दिया है तब आप इसमें पानी नहीं ऐड करें और अगर नहीं छोड़ा है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून ऐड कर दें और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हमने गैस पर एक पैन चढ़ाया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल। तेल को गर्म होने देंगे। ये तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आलू को ऐड कर देंगे इस तरह से पकौड़े की तरह और इसे हल्का हल्का फैला लेंगे और हम इसे मीडियम फ्लेम पर एक साइड से फ्राई होने देंगे और इसमें हम बाकी आलू को भी ऐड कर देंगे पकौड़े की तरह। एक साइड से पक चुका है। अब हम इसे पलट देंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर अलर्ट पलट कर पका लेंगे। देखिए रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और हम इसी तरह से दूसरे को भी रेडी करेंगे। ये देखिए ये कितना अच्छा बना है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और ये है भी बहुत ही क्रिस्पी। आप इसे अपने घर पे बनाकर जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही आसानी से भी बन जाता है और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर दें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। देखिए हमने सभी को रेडी कर लिया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए ब्रेकफास्ट रेसिपी बनकर रेडी है। इसे बनाना बहुत ही इजी और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, टोमेटो केचप, हरी चटनी, किसी भी चीज़ के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।